तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको हम बताते हैं सीमोस बैटरी कैसे चेंज किया जाता है एक डीवीआर का, चाहे वो धवा का हो, चाहे हनीवेल का हो, चाहे सीपी प्लस का हो, जिसके अंदर पंच हुए होते हैं सीमोस बैटरी हमारे सेल, उसको कैसे चेंज किया जाए। जिसमें पंच नहीं किए जाते वो तो वेरी इजी है, सेल निकालना है, सिमिलर सेल उसके अंदर आपने डालना है। तो आज बेसिकली बात है कि ये सीमोस बैटरी हम कैसे डीवीआर की चेंज करें। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कैसे हमारा टाइम गलत आ रहा है, टाइम गलत आने की वजह से हमारी सीमोस बैटरी की दिक्कत को हम पता कर सकते हैं। ये आप देखिए 2001 जनवरी एक महीना मतलब आ रहा है, ये सारा इसका टाइम आ रहा है। तो आइए हम आपको दिखाएंगे आज अपने चैनल D2i टेक्नोलॉजीज पे। मेरा नाम है लक्ष्य चावला, मेरा सबको प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम आपको सीमोस बैटरी चेंज करना सिखाते हैं। तो अभी हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, पहले हमें DVR को ओपन करना, मैं अपनी मशीन से इसको ओपन कर रहा हूँ। सारे आप इसके स्क्रू खोल लीजिए, मैंने थोड़ा जल्दी के लिए बाकी स्क्रूज खोल रखे हैं, दो ही लगा रखे हैं। ये हमारा दवा का DVR है प्रीमियम वाला। DVR हमने ओपन कर लिए, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं ये हमारी सीमोस बैटरी लगी हुई है पंच हुई हुई, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करूंगा, मैं इसे नीचे से रिमूव कर दिया मैंने, अब मैं इसका ऊपर वाला पार्ट रिमूव करके आपको सीमोस बैटरी निकाल के दिखाता हूँ। अब मैं इसकी ये सीमोस बैटरी निकाल रहा हूँ, आप इसे क्रिम्पिंग या प्लकर की मदद से भी निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसको एक लाइनर के थ्रू निकाल रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी सीमोस बैटरी निकाल दी है। अब मैं इसको आप मल्टीमीटर से भी इसको चेक कर सकते हैं, बट हमें कंफर्म पता है कि ये ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम इसको चेक नहीं करके दिखा रहे अभी आपको। और आपको इसके अंदर 3 वोल्ट का एक सीमोस बैटरी डालना है, मेरे पास एक सीमोस बैटरी नया पड़ा। अब मैं इसको सोल्डरिंग करूँगा इसके ऊपर दो तारे, उसके बाद मैं इसमें इसको फिट करूँगा, वो आपको हम दिखाते हैं। अब मैं इसमें से दो तारे अपनी प्लस माइनस की बना रहा हूँ, एक रेड को प्लस बना रहा हूँ और ब्लैक को माइनस बना रहा हूँ। अरे इतनी दूर से, अब ये मैं इसको क्रिम कर रहा हूँ दोनों तारों को, इसके बाद मैं इसको सीमोस पे लगाऊंगा। सीमोस पे लगाने के बाद फिर हम इसको DVR में फिक्स करेंगे। अभी हमारा ये सोल्डरिंग मशीन थोड़ा हीट हो रहा है, जैसे ही हीट हो जाएगा हम इसको प्लस माइनस पे भी करेंगे। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, ये भी हीट हो रहा है हमारा। अभी जैसे कि हमारा ये गर्म हो गया सोल्डरिंग, अब हम इसे प्लस में प्लस का जोड़ेंगे और माइनस में माइनस का जोड़ेंगे। इसके बाद एक चीज़ याद रखनी है हमने ज़रूर, कि इसे सेल को अच्छे से हम टेप कर दें ताकि कोई हमारे पास शॉर्ट होने का दिक्कत ना हो। मैं आपको थोड़ा दिखाने के लिए ही लगा रहा हूँ, आप सोल्डरिंग में परफेक्ट हैं तो आप और भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना है और ये आपको दिखाना भी है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें प्लीज़। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको फोकस करके दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने इसको सोल्डरिंग कर दिया। अब मैं इसको टेप करूँगा ताकि हमारी सोल्डरिंग उतरे ना, उसके बाद हम इसको DVR में लगाते हैं। इस टाइप से मैंने इसको टेप कर दिया अच्छे से, ये हमारा सीमोस तैयार है। अब हम इसको DVR में सोल्डरिंग करके इसको हम DVR में आराम से रख देंगे। अब हम इसको DVR में सेट करते हैं, पहले माइनस वाले पे इसको सोल्डर कर देते हैं। कोशिश करें इसके बाद इसको करने के भी टेप ज़रूर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको माइनस में कर दिया, मैं इस पर टेप लगा रहा हूँ ताकि हमारा सेफ रहे। अब मैं इसको प्लस में सोल्डर करूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ। अब मैंने इसको प्लस पे भी अपना सोल्डर कर दिया। अब मैं अपनी सोल्डरिंग मशीन बंद करके ज़रा इसको पहले टेप कर दूँ। टेप करने के बाद मैं आपको
इसका डेट और टाइम सेलेक्ट करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं इसे रिबूट नहीं करूंगा, इसको मेन पावर ऑफ करके, इसको मेन पावर ऑफ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेट और टाइम ख़राब होता है या नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका टाइम अभी गलत आ रहा है। अब मैं इसका टाइम आपके सामने सिलेक्ट करता हूँ पासवर्ड डाल के। अब मैं इसका डेट एंड टाइम ओके करता हूँ एक बार। जैसे कि अभी हमारी डेट है आज 15/2/2022 और टाइम हो रहा है हमारा 11:55। मैंने इसको अप्लाई करके सेव कर दिया। मैंने इसका टाइम यहाँ से सेव करके अप्लाई करके सेव कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा टाइम इस टाइम ओके आ रहा है। अब हम इसको रीबूट करने के बजाय इसका मेन पावर ऑफ करेंगे। यहाँ से मैं इसका अभी अडेप्टर निकाल देता हूँ, निकाल के उसके बाद हम इसका टाइम चेक करेंगे सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम इसका मेन पावर लगाते हैं और चेक करते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं हमारा डेट और टाइम ठीक आ रहा है। मैं अभी इसको स्क्रीन को एडजस्ट करता हूँ, फिर आपको पूरा क्लियर दिखाता हूँ। जैसे कि अब आप देख सकते हैं डेट और टाइम हमारा ओके हो गया। चाहे अब हम इसे रीबूट करें चाहे कुछ भी करें, अब हमारा सीमोस बैटरी बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। इससे आप निश्चिंत हो जाइए, अब आपका डेट और टाइम गलत नहीं होगा कभी भी। जैसे कि आपने देखा आज हमने आपको सीमोस बैटरी चेंज करना सिखाया। दबुआ का डी वी आर हो, सिटी प्लस हो, या कोई भी ऐसा डी वी आर हो जिसके अंदर हमारा सीमोस बैटरी पंच हुआ हुआ है और उसे हम निकाल नहीं सकते इजीली, तो हम इसको इस तरह से शोल्डरिंग करके हम इसको कैसे सीमोस बैटरी को चेंज कर सकते हैं और अपना डेट एंड टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर को ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप सबसे पहले सीमोस बैटरी ही चेक करें मल्टीमीटर से। 3 वोल्ट इसका एम्पेयर होना चाहिए, 3 वोल्ट इसका करंट होना चाहिए। तो गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारा चैनल करें, और अगर कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।